प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हैं। अली आप यार एहसान पहले तुम अगर देख रहे हो सवाल क्या? सवाल कर लें। अली ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम अहमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। अहमद क्या लगता है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं आप और जिस तरह से आपकी विकेटें कोलैप्स की हैं हुई हैं, तो क्या लगता है कोई जल्दबाजी की है या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि इजीली हम सिंध को पहले इनिंग में टैकल कर लेंगे? नहीं, आई थिंक सबसे पहले बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और बड़ी प्राइड लेके खेलते हैं हम जब भी सेंट्रल पंजाब से खेलते हैं। बड़ा अच्छा एक डिसीजन था कि हमने सीजन का स्टार्ट जो है हमने बॉलिंग का ही हमने बैटिंग का सोचा था। बड़ा पॉजिटिव डिसीजन था। मेरे ख्याल से पिच में एक स्पंजी बाउंस है, इतना आसान नहीं है विकेट पे खेलना, लेकिन फिर भी हमें ये बात का पता था, फिर भी हम पहले बैटिंग पे गए क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये पिच और ज़्यादा बुरा बिहेव करेगा। तो आई थिंक एक पॉजिटिव स्टार्ट है और एक अच्छा टोटल हमने किया है। अगर आप आउटफील्ड देखें तो थोड़ी सी स्लो थी, तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हम 200 पे पहुंचे, हमने पॉइंट लिया है। सो इट्स अपॉन आर बॉलर्स नाउ, कल आके जो हमारा आखिरी प्लेयर है वो कोशिश करेंगे थोड़े से रन जितने कर सकते हैं करें, और कल आके इट्स अपॉन बॉलर्स के आके अच्छा बॉलिंग करें, चैनल पे बॉलिंग करें, क्योंकि जो है ना आने वाले दिनों में ये पिच और ज़्यादा वेरिएबली बाउंस करेगा। मुजम्मिल आप क्वेश्चन कर लें और अगर कोई और इंटरेस्टेड है क्वेश्चन करने में तो प्लीज चैट में मेंशन कर अच्छा, दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सबको। अहमद भाई, मेरा सवाल आपसे ये कि कमबैक कर रहे हैं इंजरी के बाद, आज 69 रन स्कोर किए, ओवरऑल आज का दिन कैसा रहा, पिच कैसी बिहेव किया आज के दिन, और ओवरऑल किस तरीके से देखेंगे पूरे आज के दिन को? सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मैं 6 महीने के बाद फिट होके वापस आया हूँ। कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डॉक्टर्स का, CMH में सर्जन का, उन लोगों ने बहुत ख्याल रखा वहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से सर्जरी की। और फिर NCA में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, NCA में सबका, सारे स्टाफ का, जो हमारा नेशनल अकेडमी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वहाँ पे, जो डॉक्टर रियाज के अंदर जो मेडिकल पैनल है बहुत ज़्यादा वहाँ उन्होंने मेरा ख्याल रखा, और जो स्पेशली फिजियो नईम है, मेरे ख्याल से नेवर केम अक्रॉस सच अ फिजियो इन माई लाइफ जो कि इतना कॉन्फिडेंट और इतना कॉम्पिटेंट है। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर एज वेल, अल्लाह करेगा कि वो पाकिस्तान टीम के साथ भी आए। दूसरा, ये बिल्कुल एक अच्छा स्टार्ट है, ऑब्वियसली 6 महीने बाद क्रिकेट है। सारे लोग कोरोना के बाद आए थे, मैं इंजरी के बाद आया था, मेरे पे डबल प्रेशर था, और उसके बाद आके पहली ही इनिंग में अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है। बाकी सारी चीज़ें एज ए बैट्समैन आप देख रहे होते हैं, आपकी मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं, क्योंकि कोई ना कोई डाउट्स आपके जहन में होते ही हैं, तो अगर आप पहली इनिंग में आके अच्छा परफॉर्मेंस करते थे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है इस चीज़ में। थैंक यू सो मच अहमद, थैंक्स अ लॉट। इस अब हम यहाँ पे अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच अहमद आपके टाइम का। अब हम सिंध के प्लेयर को अभी लेके आते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तुम्हारा माइक खुल गया, देखिए अभी तुम कर सकते हैं सच, ठीक है? बिल्कुल ही है, नहीं तो इस पे क्लिक।
ताबिश भाई अस्सलाम वालेकुम और कांग्रेचुलेशंस, एक और फाइफर आपने लिया। ताबिश भाई ये तो नहीं पूछूंगा क्योंकि अब लगता तो यही है कि आप तो अपने 100% दे रहे हैं लेकिन कोई जगह नहीं मिल रही। लेकिन क्या चीज, आपका एक पोस्ट पड़ा ट्विटर पे कि काफी डिप्रेस थे, तो क्या ऐसी चीज थी जिसको जिसने आपको मोटिवेट किया और पहले ही दिन आपने एक और फाइवर लेके सेलेक्टर्स और जो देखने वाले हैं उनको एक और दफा उनके दरवाजे खटकाए कि आप जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी भी पोटेंशियल रखते हैं? सर सॉरी, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया, आपने 3-4 सवाल एक साथ कर दिए तो वो मिक्सअप हो गए हैं। कैन यू आस्क मी अगेन? ताबिश भाई ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली कि फाइवर आज पहले ही दिन ले लिया, आपका एक पोस्ट पड़ा था ट्विटर पे जिस पे आपने लिखा कि काफी डिप्रेस है, तो क्या ऐसी चीज थी जिसने मोटिवेट किया, क्योंकि नेशनल टीम में तो जगह मिल नहीं रही, लेकिन क्या ऐसी चीज थी जिसने मोटिवेट किया और पहले दिन ही आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी? सर देखें, डिप्रेशन वाली चीज़ तो ऑब्वियसली जो लोग मेरे करीबी हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको सबको पता है कि क्या चीज़ डिप्रेसिंग थी मेरे लिए और स्टिल है और ये शायद लाइफ टाइम रहेगी। और जो डिप्रेसिंग चीज़ थी वो ये थी कि आई लॉस्ट माई फादर इन जून, तो इससे बड़ा डिप्रेशन मेरा नहीं ख्याल है कि कभी ज़िंदगी में मुझे कभी मिला होगा। और जब मैं रात को सो भी रहा था तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि हर चीज़ की अपडेट मैं अपने फादर को देता था और जब भी 5 आउट वगैरह मैं करता था सबसे पहले मेरे फादर ही मुझे कॉल करते थे। तो अभी बस ये एक डिप्रेसिंग चीज़ यही है मेरे लिए कि उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं खेल सका, लेकिन मैंने अपने आप को मोटिवेट ये किया कि रात को मैं अपनी मदर से बात कर रहा था, उनसे मैंने बात की और बस उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि उन्हीं की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आज मैं दोबारा पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस यही चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी मैं अपनी ट्रेनिंग पूरे साल करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है उसी तरह मैंने अपना सारा जो वर्कआउट है उसी तरह कंटिन्यू रखा कोशिश करके, कोविड के दौरान भी कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली उतनी फिटनेस नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन अभी बहुत अच्छी है, आपके सामने बहुत लंबा स्पेल करके आ रहा हूँ तो काफ़ी बेहतर है। और कोई क्वेश्चन है ताबिश खान के लिए? अली हसन आप पूछ लें, पहले अली पूछ लें और फिर फैजान से पूछ लेते हैं। जी अली, सेंट्रल पंजाब की जो बैट्समैन है अहमद शहजाद कह रहे थे कि पिच जो है वो बाउंसी बड़ी। अली भाई आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अभी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अहमद शहजाद कह रहे हैं कि विकेट जो है बाउंसी है जिस पे खेलने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई, तो आप समझते हैं कि ये विकेट आपको बड़ी सपोर्ट कर रही है जिसकी वजह से 5 विकेटें ले गए? ये आपने उनकी पहले ही जो वीक पॉइंट्स थे वो चेक कर लिए थे कि कहाँ बॉल करेंगे और वो ये विकेट दे देंगे? देखिए, जितने अरसे से हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं तो काफ़ी लड़कों के हमें वीकनेसेस पता होती हैं, काफ़ी लड़कों की जगह पता होती है हमें किधर बॉल गिराना है जाके, तो वो हम अपना कंटिन्यू रखते हैं। बाकी उन लड़कों पे डिपेंड करता है वो किस तरह का अपने ऊपर काम करके आते हैं और फिर अपनी वीकनेसेस को पॉजिटिव वे में उसको अगेंस्ट जाके उसके रन्स करते हैं। अहमद ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, विकेट बाउंसी ऑब्वियसली है, अच्छा विकेट है और बॉल इस पे जा रहा है। लास्ट ईयर भी सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट मेरे 5 आउट थे और इस साल भी अल्लाह का शुक्र है मैंने इनके अगेंस्ट 5 आउट किए हैं। तो ऐसा है कि बॉल अच्छी जगह करने का बहुत मैटर करती है चीज़। ताबिश आज माशाल्लाह 5 आउट किया, 38वां पंजाब का और कोई 574 विकेट आपकी ओवरऑल हो गई फर्स्ट क्लास कैरियर की। अब भी वही फड़क, वही भूख आप समझते हैं आप में मौजूद है और अब भी वही डिटर्मिनेशन के खेल के दिखाना है पाकिस्तान के लिए, जज्बे में कुछ कमी आ गई है? नहीं नहीं सर, जज्बे में कोई कमी नहीं आई है, जज्बा उसी तरह है। और हम प्लेयर्स का काम ये होता है जो भी कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग के फलानी बॉल से इसने ये नहीं किया, फलानी बॉल से ये नहीं किया, फलानी पिच पे ये नहीं किया, तो हमारा काम होता है हम हर जगह अपना परफॉर्म करके दिखाएं और उसी के लिए हम पूरे साल मेहनत करते हैं। और मोटिवेशन का तो मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि मैं अभी मेरे लिए चीज़ें लोग कहते हैं कि अभी भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं जब तक क्रिकेट मेरी मेरे मेरे ब्लड में है मैंने क्रिकेट खेलते ही रहना है जब तक मुझ में जान है। और पाकिस्तान रिप्रेजेंट करना जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मेरे फादर की ख्वाहिश थी और मेरे माँ बाप की ख्वाहिश की वजह से ही आज मैं इतना मोटिवेट हूँ।
और उन्हीं के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए, उन सब लोगों की ख्वाहिश है मुझे पाकिस्तान खेलते हुए देखना। और ये मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस यही मेरी मोटिवेशन है। जी सुलेमान। ताविश, दिन का पहला और आखिरी स्पेल आपका बड़ा शानदार रहा, लेकिन बीच में जो दूसरा सेशन था लंच के बाद, उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस में कुछ कमी दिखाई दी, आप ग्राउंड से बाहर भी आए, तो आप अपने आप को कैसे महसूस करते हैं? अल्लाह का शुक्र अभी बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि देखें हम लोगों की मैच प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं थी, जो कि अभी आपको सबको पता ही होगा कि T20 भी मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं छोड़कर आ गया था, तो वो एक मैच प्रैक्टिस का एक अच्छा मौका था उस वक्त। डायरेक्ट मैं पूरे साल के बाद हम लोग डायरेक्ट T20 खेले थे, बीच में कोई इतनी क्रिकेट हुई नहीं, तो बहरहाल वो सुबह का स्पेल मैंने किया था। दूसरे स्पेल के बाद मुझे थोड़ा साल का सा फील हो रहा था कि मौसम की वजह से मैं थोड़ा सा एब्सेंट माइंड हुआ था। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मैं रात भर डिप्रेशन में रहा हूँ, और ऑब्वियसली मेरे फादर की डेथ के बाद ये मेरा पहला मैच है, और मैं मतलब कोई चीज़ छुपा नहीं रहा किसी से कि मैं इसमें कोई चीज़ छुपा लूँ कि मैं बहुत ये करूँ, मतलब मेरा माइंड बिल्कुल माइंडसेट नहीं था उस वक्त, तो इसलिए मैं वाटर इनटेक अच्छा नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे क्रैम्प आए थे। तो उसके बाद मैंने वाटर इनटेक अच्छा किया, थोड़ा गैप लिया, थैंक्स टू माय कैप्टन सरफराज, उसने मेरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और उसने मुझे थोड़ा मौका दिया कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर वापस अंदर आऊँ। तो फिर जैसे मैं अंदर आया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि अपने कप्तान के लिए और अपनी टीम के लिए अपना काम करके दिखाऊं, और अल्लाह ने उसमें मेरी मदद की। थैंक यू सो मच ताबिश आपके वक्त का, थैंक यू।